साकेत, अयोध्या, फैजाबाद, आखिर राम मंदिर का मसला है क्या? कुछ महीने से ये मुद्दे को लेकर राजनीतिक बवाल जो मचाया जा रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी राजनीति को मुकम्मल बनने की साजिश है जिसने कानून और संविधान दोनों पर हमला किया है। हिंसा, खून खराबा यह राजनीति का अटूट हिस्सा है। यह राजनीति हमारे गणराज्य को सत्तावादी और हिंदुत्ववादी धर्मतंत्र में बदलना चाहती है। यह महत्व की बात है कि यह गैर संवैधानिक काम और कार्य के लिए दिसंबर 6 जैसे दिन को चुना गया। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुण्यतिथि का दिन है और लाखों हजारों लोग बाबा साहेब की विचारधारा को प्रेरणा देते हुए चैत्य भूमि दादर में जमा होते हैं। फुले पेरियार अम्बेडकर ने ऐतिहासिक और गहरी चुनौती दी है एक मनुवादी जात व्यवस्था को और इसीलिए यह एक साजिश है। बाबा साहेब की याद दिलाने वाले 6 दिसंबर को एक कट्टरपंथी हिंदुत्व का दिन बनाने की। बाबा साहेब ने अपने लेख और विचार से एक कड़वी आलोचना जात व्यवस्था पर रखी। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड रिडल्स इन हिंदुइज्म को याद कीजिए। यह तो दलित बहुजन समाज के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यह मामला एक तरह से देखें तो 1984 साल में जोर पकड़ा। इसकी नींव बहुत पहले दी गई थी। 1941 में गांधी जी की हत्या के एक साल बाद में चोरी छुपे बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां छुपाई गई। कुछ और तारीख भी महत्वपूर्ण है। 1529 जब मीर बाकी ने मस्जिद बनाई, 1853 और 1855 जब ब्रिटिश राज में पहली बार वहाँ मंदिर होने का दावा किया गया। इसके पहले बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कभी नहीं किया गया। 1947 हम भारत हिंदुस्तान आज़ाद हुई। 1950 हम भारत हिंदुस्तान हमारा देश संविधान अपनाकर एक गणतांत्रिक देश बना। इस मुद्दे को समझने के लिए पहले जानना होगा कि गणतंत्र किन मुद्दों पर आधारित है। नागरिकता की समानता, विवेक को आस्था से ऊपर समझना और कानून और संवैधानिक वसूल को सबसे ऊंचा मानना। 1984 में विश्व हिंदू परिषद जो RSS का एक सह संगठन है एक धर्म संसद बुला करके ऐसी 3000 धार्मिक स्थल की पहचान बताई जिसके ऊपर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा किया जा सके, कौमवाद और सांप्रदायिक सोच विचारधारा फैलाई जा सके। चुने गए 3 स्थल में मुख्य रूप में अयोध्या, काशी और मथुरा थे। धर्म सांसद ने अपनी राजनीतिक शोर अयोध्या में राम मंदिर से शुरू करने का इरादा बताया। देश भर के गांव, गली, मोहल्लों में जाकर बाबरी मस्जिद के जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनाने के लिए ईंट और पैसे जमा करने का अभियान चलाया गया। हिंदुत्व विचारधारा वाले NRI से भी डॉलर, पाउंड और विदेशी धन जमा किया गया। और इसी दौरान दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है उस पर रामायण प्रसारित किया जाने लगा। पौराणिक कथाएं हमारी चेतना पर हावी होने लगी। एक धार्मिक युद्ध की तैयारी की गई जो एक 20वीं शताब्दी में कोई स्थान नहीं रखता। और हिंदुत्व का एक रथ, भक्तों की एक सेना और 1990 में BJP के कट्टरपंथी नेता LK अडवाणी एक टोयोटा गाड़ी से बनाए हुए रथ पर सवार होकर निकल पड़े। भावनाओं को चिंगारी सुलगाने के लिए रथ का अभिषेक गुजरात के राजकोट में सोमनाथ मंदिर में किया गया। रिवाइंड करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में अयोध्या असल में बौद्ध की नगरी साकेत कहलाता था। लगभग 16वीं सदी में तुलसीदास ने खड़ी बोली में मशहूर रामचरितमानस की रचना की। इससे पहले रामायण जो पहले केवल संस्कृत भाषा तक सीमित था वो अब आम लोगों की खड़ी बोली में पूरे उत्तर भारत में एक लोकप्रिय कथा बन गई। हिंदू विद्वानों को अच्छी तरह मालूम है कि तुलसीदास ने कहीं भी राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं किया जिससे भगवान राम की जन्मभूमि कहा जाए। और 16वीं शताब्दी में जब बाबरी मस्जिद बनी थी तब वहाँ राम मंदिर होना नामुमकिन है। आज अयोध्या नगरी राम मंदिर से भरी है
और उनमें से कम 20 मंदिर भगवान राम के जन्मस्थान होने का दावा करते हैं। वजह साफ है, कोई भी मंदिर राम का जन्मस्थान कहलाए तो वहाँ की दान पेटी खाली नहीं रहेगी। फास्ट फॉरवर्ड 1990, राम मंदिर का अभियान और एल के अडवाणी की रथ यात्रा। जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ हिंसा खून खराबा होता गया। ये अभियान के पीछे मतलब और मानसिकता साफ नजर आने लगी। यह कोई धार्मिक अभियान था ही नहीं, राजनीतिक हिंसा के आधार पर एक सोच विचारधारा को मजबूत करने की साजिश थी और है। उत्तर भारत, लोकप्रिय अभिवादन जय सिया राम, जिसमें राम और सीता दोनों हुआ करते थे, वो जय श्री राम में बदल गया। राम को अब तीर धनुष त्रिशूल लिए एक आक्रामक योद्धा बनाकर प्रस्तुत किया जाने लगा। यही अवतार देश भर के पोस्टर कैलेंडर में फैलाया गया। एल के अडवाणी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर में कार सेवा के लिए 30 अक्टूबर दिन का दिन तय किया और बाबरी मस्जिद विवादित राम जन्मभूमि स्थल बन गया। एक राजनीतिक मुद्दा है, विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदिर ही मानते हैं, हमारी हिंदू परंपरा ही है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त विवादित स्थल के पुजारी महंत लालदास थे। पुजारी लालदास हिंदुत्व राजनीति की खुलकर आलोचना करते थे। पुजारी लालदास को धमकियां मिली थी। हिंदू पुजारी होते हुए उन्होंने हिंदुत्ववादी सोच की बहुत बहादुरी से आलोचना की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 2 बॉडीगार्ड दिए थे। विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते थे पुजारी लालदास, कहते थे कि चंदा इकट्ठा करना और नफरत फैलाना, बस यही मकसद और मतलब है राम मंदिर अभियान का। धर्म नहीं, आस्था नहीं, गंगा जमुना तहजीब पर हमला करना और नफरत फैलाना, मजहब और धर्म की रोटियां सेकना। 1 मार्च 1992 के दिन उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार ने पुजारी लालदास के बॉडीगार्ड हटा दिए। 6 दिसंबर 1992 को खुले दिन कानून तोड़कर संविधान को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को गिराई गई और 16 नवंबर 1993 को उन्हें, मतलब पुजारी लालदास को, संगीत हालत में गोली मार दी गई। पुजारी लालदास एक हिंदुत्व की सोची समझी राजनीति के शिकार बन गए। खून खराबा और बदले की हिंसक राजनीति हिंदुत्व का आधार है और इसी का हिस्सा राम मंदिर आंदोलन बड़े पैमाने पर फैली हिंसा के लिए जाने जाने लगा। 1990 और 92 के बीच जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, मुख्य धारा की मीडिया ने दंगे फसाद और हिंसा की रिपोर्टिंग करने में परहेज नहीं किया। रथ यात्रा रोको सरकार को कहा गया, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन 7 अक्टूबर 1990। संडे ऑब्जर्वर का एक 14 अक्टूबर 1990 का लेख, सांप्रदायिक चिंगारी, जिसे और किसी ने नहीं स्वयं सुधींद्र कुलकर्णी ने लिखा था, जो बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार बने। उन्होंने कर्नाटक के गांव टुमकूर, मांड्या, कुर्ग, चित्रदुर्ग, मैसूर, मैंगलोर, शिमोगा, बैंगलोर के कई हिस्से और उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ को लेकर जहाँ जहाँ मुसलमानों पे हमले हुए उसके बारे में लिखा। टेलीग्राफ इनसाइट में 14 अक्टूबर 1990 अडवाणी के रथ की आग भड़काने वाले रथ से तुलना की गई। जयपुर में हिंसा का वर्णन करते हुए 28 अक्टूबर 1990 के संडे ऑब्जर्वर ने कहा, कुलाबी शहर खून से लाल हो गया। द इंडिपेंडेंट 2 नवंबर 1990 में छपा था, इंदौर के सांप्रदायिक दंगों में एक नया मोड़, इस बार की हिंसा में अंतर को दर्शाता है, दंगाई भरपूर हथियारों से लैस हैं, गोला बारूद से पुलिस पर ही दावा बोला जा रहा है, यहां तक कि दंगाइयों ने टियर गैस ग्रेनेड भी फेंके हैं, कर्फ्यू होने के बावजूद पुलिस वालों और उनके परिवार वालों पर हमला किया गया तथा उनके घरों पर अटैक किया, तोड़फोड़ की गई। फास्ट फॉरवर्ड बुलंदशहर 2018, फैजाबाद का नाम बदलना, ताजमहल पर आघात, काशी, मथुरा और देश के 3000 अन्य स्थल उनके निशाने पर है, ज्ञानवापी मस्जिद पर खतरा मंडरा रहा है। क्या 21वीं सदी में ऐसी राजनीति की कोई जगह है? ऐसी हिंसक और दमनकारी विचारधारा के आगे क्या भारत
अपनी विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सांप्रदायों के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती है। 92 में कानून और उसके प्रति विश्वास को चकनाचूर करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और पूरे भारत में हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2002 गुजरात में हिंदुत्व की राजनीति ने कहर और बर्बादी का एक और रंग दिखलाया। गोधरा में S6 साबरमती एक्सप्रेस कोच को जलने के बाद एक प्रतिहिंसा में 2000 अल्पसंख्यक लोगों का कत्लेआम किया गया। 2014 के बाद सांप्रदायिक हिंसा, लिंचिंग और मॉब वायलेंस के विभिन्न नए चेहरे सामने आए और भारत की पहचान ही बदल डाली। हिंदुस्तान को खून में सने भगवा राष्ट्र में बदलने की साजिश किसी से नहीं छुपी है। कानून को तार तार करके बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाले आडवाणी आज राजनीतिक निर्वासन में भले हों, पर दिल्ली और लखनऊ में बैठे खूनी राजनीति के नए शाहों को राजनीतिक हार पहुंचाना अभी बाकी है। हमारे सामने चुनौती है। हर भारतवासी जो नियम, कानून और हमारे संविधान में विश्वास रखती हो या रखता है, उन्हें यह समझना और दूसरों को समझाना जरूरी है कि आखिर राम मंदिर आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है। यह आंदोलन आस्था के बारे में नहीं बल्कि दबंगई और प्रभुत्व का नशा है। ये पूजा पाठ के बारे में नहीं बल्कि हिंसा और दमन का मामला है। सदियों से हम सब भारतवासी एक साथ रहकर आपस में समझ और संवाद के साथ, आपसी सम्मान, मोहब्बत, आदर और विवेक के साथ एक मिसाल पैदा कर चुके हैं। हमें अपनी इस अद्भुत अनमोल पहचान वाली धर्मनिरपेक्षता को किसी भी हाल में नहीं गंवानी चाहिए।